खबर बड़वानी से। सिलावत पुलिस को मिली सफलता, देशी विदेशी अवैध शराब का परिवहन करते दो आरोपियों को किया गिरफ्तार। इनके पास 130 लीटर करीब 75,000 की शराब जब्त। सिलावत पुलिस आज मुखबिर द्वारा मिली सूचना पर सिलावत रोड नदी पार पर पहुंची, जहां दो व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पर 3 झोले शराब के लेकर आ रहे थे, जो पुलिस को देख भागने की कोशिश करने लगे, जिन्हें पुलिस फोर्स ने घेराबंदी कर दो व्यक्तियों को शराब के झोले और मोटरसाइकिल सहित पकड़कर पूछताछ की। एसडीओपी रूपरेखा यादव ने बताया कि बंशीराम पिता गुलसिंह बारेला निवासी हटबावड़ी और टीका राम पिता कावरिया बारेला ग्राम धमारिया दोनों आरोपियों के कब्जे से अवैध देशी विदेशी मदिरा शराब करीब 130 लीटर शराब कीमत 75,000 सहित मोटरसाइकिल को जब्त किया गया। गिरफ्तार दोनों आरोपियों के विरुद्ध अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत पंजीबद्ध किया गया मामला। हाँ, आज सुबह एक सूचना प्राप्त हुई थी अवैध रूप से शराब के परिवहन की, तो सिलावत थाना प्रभारी द्वारा इसमें कार्रवाई की गई है और 130 लीटर शराब अवैध रूप से जिसका परिवहन किया जा रहा था जब्त की गई है। सर कोई आरोपी? इसमें दो लोग आरोपी हैं, एक बंसी राम करके व्यक्ति है जो हाटबावड़ी का रहने वाला है, वो जो दूसरा व्यक्ति है टीका राम, उसको ये शराब देने के लिए जा रहा था। ये हाट बावड़ी में ही अपने घर पे शराब का अवैध रूप से निर्माण भी करता है और उसके यहाँ से जो शराब निर्माण में जो सामग्री उपयोग की जाती है वो भी जब्त की गई है। सर स्प्रिट से बनाई गई थी या नकली शराब थी? ये स्प्रिट से बनाई जा रही थी। सर करीब लागत क्या होगी शराब की? लगभग 75,000 रुपये लागत। खबर भारतवर्ष के लिए बड़वानी से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।